हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आई होप कि आप सभी बहुत खुश और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, करियर की दुनिया तेजी से बदल रही है और इसमें जॉब की पोजीशंस भी बहुत तेजी से बदल रही हैं, और इसी तरह की पोजीशन है YP यानी कि यंग प्रोफेशनल्स की। आज हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया या मंत्रालय में या हर एक स्टेट में YP की जरूरत है, यानी कि यंग प्रोफेशनल्स की वैकेंसीज रखी गई हैं। इवन कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां पर जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी अपने अंडर यंग प्रोफेशनल्स की वैकेंसीज या पोस्ट को रखा गया है और वो लोग काम भी कर रहे हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर। इसका काम ही होता है किसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना, उसकी स्टडी असाइनमेंट करना और सुपरविजन करना पूरी तरह से। इस पोस्ट की सैलरी 25,000 रुपीज से 1,00,000 रुपीज के बीच में होती है जो कि मंथली मिलती है, और कहीं कहीं पर तो इसके अलावा कुछ पर्क या फिर अलाउंसेस भी मिलते हैं दोस्तों। और 18 से 50 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इसमें जरूरत भी होती है कुछ स्किल्स की जो कि रेलिवेंट स्किल हो, सॉफ्ट स्किल भी और हार्ड स्किल भी बहुत जरूरी होती है किसी भी यंग प्रोफेशनल्स के लिए। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे डिपार्टमेंट, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करने वाले हैं जहां पर लेटेस्ट YP की पोजीशंस निकाली गई हैं, उनको डिटेल देखेंगे। और ये जो डिपार्टमेंट हैं वो एग्रीकल्चर, एजुकेशन, लॉ, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, साइंस, कॉमर्स जैसे अलग अलग फील्ड से रिलेटेड हैं दोस्तों। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि सारी अपॉर्चुनिटीज के बाद कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज को भी डिस्कस करेंगे जो सभी के लिए वैल्यूएबल होंगी, और वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज भी निकली हैं जिससे आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज के बाद उसको भी देखेंगे बहुत शॉर्ट में। तो आइए वन बाय वन सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस कर लेते हैं, आइए सीखना शुरू करते हैं। पहली अपॉर्चुनिटी दोस्तों, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड यानी AVNL एक नया डिफेंस PSU है जिसका हेडक्वार्टर जो है वो चेन्नई में है, और इसकी 5 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो कि चेन्नई, तेलंगाना, MP और मुंबई में हैं दोस्तों, जहां डिफेंस के व्हीकल्स, बैटल टैंक आदि प्रोड्यूस किए जाते हैं। इस नई गवर्नमेंट कंपनी में आप नया फ्यूचर बना सकते हैं क्योंकि यहां पर यंग प्रोफेशनल्स की वैकेंसीज निकाली गई हैं और 7 वैकेंसीज हैं। ये वैकेंसी HR, इवेंट मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल और असेंबली से रिलेटेड हैं दोस्तों, जिसके लिए MBA, PG कैंडिडेट या फिर डिप्लोमा कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही कुछ में तो BE, BTEC, ME, MTEC कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। 27 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर भी एलिजिबल हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। इन पोस्ट की लोकेशन हेडक्वार्टर में होगी यानी चेन्नई में होगी, और ये 2 साल का प्रोजेक्ट होगा, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है जिसमें सिलेक्ट हुए कैंडिडेट को हर महीने 40,000 रुपए मंथली मिलेगा। अच्छा पैकेज है। इसमें काम यह रहेगा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 4.0, डिजाइन, प्रपोजल मेकिंग, डाटा कलेक्शन जैसे काम आपको करने होंगे, और इसके लिए जरूरी है कि MS ऑफिस का पूरा ज्ञान हो आपको, और इसके अलावा इंटरपर्सनल स्किल्स और नेसेसरी जो स्किल्स मांगी गई हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह, वो भी आपकी कंप्लीट होना चाहिए। मैनेजमेंट, HR, इवेंट मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटलर्जी, केमिकल, मैकेट्रॉनिक कैंडिडेट्स के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, आप लोग जरूर अप्लाई कीजिए अगर एलिजिबल हैं तो। सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस तरीके का होगा कि पहले स्क्रीनिंग होगी आपकी जो एप्लीकेशन है, उसके बाद इंटरव्यू होगा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का, फिर रिजल्ट यहां पर शो होगा। अप्लाई ऑफलाइन करना है आपको, नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन का फॉर्मेट मिलेगा, उसको पूरी तरह से फिल करके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको AVNL बाय पोस्ट भेजना होंगे, और आपको एप्लीकेशन फीस 300 रुपीज या तो आप SBI iCollect से भर सकते हैं या फिर DD के फॉर्मेट में भी आप भर सकते हैं, और फिर इस कॉपी को भी यानी कि जो चालान की कॉपी है उसको भी एप्लीकेशन के साथ आपको ऑफलाइन मोड से भेजना होगा। लास्ट डेट जो है वो 21 दिन रखी गई है जब एम्प्लॉयमेंट न्यूज में एडवर्टाइजमेंट आ जाए उसके बाद, तो इसकी कुछ डेट 17 अप्रैल तक आप भर सकते हैं, 17-18 अप्रैल तक आपकी एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए AVNL में दोस्तों। सेकेंड यंग प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी जो है वो साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर स्ट्रीम के कैंडिडेट के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि नेशनल ब्यूरो फॉर प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज न्यू दिल्ली में यहां पर वैकेंसीज हैं पोटेंशियल क्रॉप्स के प्रोजेक्ट में, और ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है 2026 तक चलेगा। इसमें 2 पोस्ट हैं YP की जिसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट को 25,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटी है। इन पोस्ट के लिए साइंस या कॉमर्स या मैनेजमेंट के कैंडिडेट या ग्रेजुएट जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई
कर सकते हैं, डिप्लोमा कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने डिप्लोमा एग्रीकल्चर साइंसेज इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के फील्ड में किया हो, जिसके 60% है ग्रेजुएशन में या डिप्लोमा में, वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं 60% या उससे ऊपर। मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस है तो अच्छा है, उन्हीं को रखा जाएगा और आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, कंप्यूटर की पूरी स्किल्स होना चाहिए दोस्तों। मैक्सिमम एज जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए 40 ईयर्स है और जो विमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए 45 ईयर्स रखी गई हैं, और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर उसका रिलैक्सेशन का एडवांटेज आपको मिलेगा। ये वॉक इन इंटरव्यू है जहां पर आपको जाकर के इंटरव्यू GD या जो भी PI होता है उसको अटेंड करना होता है, और यह NBPGR न्यू दिल्ली के इंस्टीट्यूट में जाकर ही आपको अटेंड करना होगा दिए गए फॉर्मेट में। इसमें नोटिफिकेशन में एक फॉर्मेट दिया है, उस फॉर्मेट को भर करके आपको वॉक इन में बाकी के डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ्स रेज्यूमे के साथ लेकर के वॉक इन अटेंड करना होगा। थर्ड YP अपॉर्चुनिटी है दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड दिल्ली से, DTIDC गवर्नमेंट का एक एंटरप्राइज है जहां EV सेल जो होती है वहां के लिए रिक्वायरमेंट है दोस्तों, और इसमें अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो 75,000 रुपीज मंथली आपको मिलेगा। YP का काम रहेगा कि आप फील्ड वर्क करें, स्टडीज का इवेल्युएशन करें, डेटा का कलेक्शन करें, सुपरविजन करें। अप्लाई की जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो 32 ईयर है और इसके लिए इंजीनियरिंग या साइंस या फिर इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स या स्टेटिस्टिक्स के बैचलर डिग्री कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, अगर मास्टर डिग्री कैंडिडेट हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में एनालिटिकल कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी अच्छी होना चाहिए, आप एलिजिबल हैं, और सबसे ज़रूरी बात माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नॉलेज आपको होना चाहिए। काफ़ी सारे ऑफिस से रिलेटेड वीडियोस हमने बनाए हैं, कोर्स कर सकते हो, आप समझ सकते हो और इनमें लगा भी सकते हो, तो आप उनको कर सकते हो कोर्सेज, आपको प्लेलिस्ट में सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। वापस इस वैकेंसी पर आते हैं, या 2 साल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, इसमें अप्लाई आप 12 अप्रैल तक कर सकते हैं, ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं बचा है, क्योंकि ऑफलाइन मोड से आपको अप्लाई करना है। जो भी आपको एड्रेस दिया गया है नोटिफिकेशन में, आपको 12 अप्रैल तक ऑफलाइन मोड से आपकी एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए डॉक्यूमेंट्स के साथ, DTIDC आपको भेजना होगा, यहां पर कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। फोर्थ बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है दोस्तों फिर से मंत्रालय से है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से है, यहां लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट जो है वहां पर YP की पोस्ट है और ये पोस्टिंग न्यू दिल्ली में होगी, बिकॉज ऑफ मंत्रालय न्यू दिल्ली में होगी पोस्टिंग। इसके लिए वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिसकी एज जो मैक्सिमम हो 32 ईयर है और 2 साल का आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो, आप नोटिफिकेशन देख लीजिए, उसी रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास LLM की डिग्री होना चाहिए। यहां PhD कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, कंसर्न जो सब्जेक्ट से रिलेटेड। सिलेक्टेड कैंडिडेट को 60,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा और अलाउंसेस भी मिलेगा, यानी कि आपको TA/DA भी मिलेगा और ज्वाइनिंग के बाद आपको कुछ दिनों की ट्रेनिंग भी मिलेगी जिससे आप सारा काम समझ जाएंगे। बहुत कम टाइम बचा है इनमें अप्लाई करने के लिए। ये डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स का एक पोर्टल है जहां पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के ऊपर लिंक है, एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे लिंक है, एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे पोर्टल ओपन हो जाएगा, आप सारी जो वैल्यूज हैं उनको पुट कर दीजिए, सबमिट कर दीजिएगा और फिर उसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं आपको बताया जाएगा। तो 17 अप्रैल तक इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों और भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी YP की, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसको हम यहीं रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अगले वीक में हम फिर से YP की पोजीशंस को लेकर के आएंगे, लेकिन दोस्तों मैंने आपको कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड भी अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हैं, तो आप अभी जाकर के ग्रैंड समर इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ जॉब भी है, इंटर्नशिप्स भी हैं और वर्चुअल पार्ट टाइम और वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज हैं, जिसमें आप दो से तीन घंटे वर्क करके, आप चाहे जॉब कर रहे हो या हाउस वाइफ हो, आप वर्क करके अर्निंग कर सकते हैं। 65,000 रुपीज तक वहाँ पैकेज मिलेगा। IIT, SBI जैसे ऑर्गेनाइजेशन वहां पर बिग ब्रांड हैं जो आपको जॉब दे रहे हैं। आपको सिंपली अगर देखना है कि किस तरीके से अप्लाई करना है, कल वीडियो बनाया था आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा नेशनल करियर सर्विस पर भी वर्क फ्रॉम होम की जॉब की और इंटर्नशिप की, अप्रेंटिसशिप की नई नई अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हैं, अप्लाई कीजिए। वहां पर आप फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास पास हो, UG, PG, ITI, डिप्लोमा सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अप्रेंटिसशिप मेला की डेट आ चुकी है, 10 अप्रैल 2023 है, आप अटेंड कर सकते हैं। नई अपॉर्चुनिटीज और आने वाली हैं, अभी वीडियो को हम यहीं तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं, नहीं तो ये काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा नए हैं तो, और इंस्टाग्राम पर नई नई रील आ चुकी हैं अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड, वहां पर भी ज्वाइन जरूर कीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों। सभी जो जरूरी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी।